गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी होमवर्क से 3 है, सब्जेक्ट हमारा मैथ्स है, क्लास UKG। इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट 1 to 50 काउंटिंग, 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग लिखना है इस कॉलम में। जैसे मैंने एक कॉलम बना के दिया है, आप कॉलम में 1 से 50 तक काउंटिंग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मिसिंग नंबर्स, ये हमारा क्या है, मिसिंग नंबर्स हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें जो मिसिंग है वो आपको नंबर फिल करना है। जैसे 1 के बाद क्या 2 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, इस तरह से आप यहाँ पर मिसिंग नंबर फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बिग स्मॉल, आपको क्या करना है, इसमें बिग और स्मॉल करना है। बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है, और स्मॉल मीन्स छोटा। इसमें क्या है, कलर द बिग फिश पिंक, मतलब कलर द बिग फिश पिंक, जो बड़ी फिश है उस पर आप कलर पिंक का कलर करोगे, और एंड द स्मॉल फिश ग्रीन। तो इसमें क्या, जो छोटी है उस पर आप ग्रीन कलर करोगे, बड़ी पे आप पिंक कलर करोगे और छोटी पर ग्रीन कलर करोगे, इस तरह से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या, कलर द स्मॉल बॉल ग्रीन, इसमें जो स्मॉल मतलब जो छोटा है उस पर आप ग्रीन कलर करोगे, एंड द बिग बॉल रेड, और जो बड़ा बॉल है उस पर आप रेड कलर करोगे, लाल कलर करोगे, इस तरह से ये करना है। और क्वेश्चन नंबर 5, ट्रिक द बिगेस्ट हाउस, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे इसमें हाउस 3 दिए हैं, तो इसमें मतलब बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा, तो जो बिग इसमें तीनों में से कौन सा बड़ा हाउस है उस पर आप टिक का निशान लगाएंगे। ये वाला टिक का निशान है, तो उसी तरह से आप टिक का निशान लगाएंगे, जो बड़ा होगा हाउस उसी पे टिक का निशान लगाएंगे, इस तरह से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 6, टिक द बिगेस्ट बस, इसमें क्या है, इसमें भी जो बड़ी बस है उस पर आप टिक का निशान लगाएंगे, इस तरह से ये करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, काउंट एंड राइट, इसमें आपको पहले काउंट करना है और लिखना है। जैसे ये बॉल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, और 1 2 3 4 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, इस तरह से ये करना है। थैंक यू।